हेलो एवरीवन मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वाजिद असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ़ केमिस्ट्री श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस अकोला आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं द वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर सेवरल स्टूडेंट्स इट विल बी यूजफुल फॉर बी एस सी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एज वेल एज़ नीट एस्पेरेंट्स जेडब्ल यू मेन्स के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट के लिए दिस वीडियो विल बी साइमल्टेनियसली यूज़फुल एम एस टी सी टी में ये टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग नाम से ठीक है ना कोअल एंड बॉन्डिंग नाम से बी एस सी में एंड uh, नीट uh, के अंदर दिस विल बी इंक्लूडेड इन केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर यानी एन सी आर टी के अंदर वेल well, तो ये चैप्टर का uh, महत्व तो इतना है सो so, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोअल एंड बॉन्डिंग के अंदर आइदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी फॉर्मली कॉल्ड एज फजन रूल सो करते हैं स्टार्ट देखो कैसा आया दिमाग में कंसेप्टजन रूल का अपने को एक कंसेप्ट पता है कि जनरली लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब कोलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड रहेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोलबल रहेंगे और आयनिक कंपाउंड अगर वो रहेंगे तो वो वाटर के अंदर सोलूबल रहेंगे दिस इज़ आवर जनरल कंसेप्ट बराबर है कि नहीं दिक्कत का भाई प्रॉब्लम का भाई प्रॉब्लम उस समय आई जब कुछ कोअलेंट कंपाउंड वाटर में सोलूबल होना चालू हो गए दिक्कत कब आई दिक्कत उस समय आई जब कुछ आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड जो वाटर के अंदर सोलबल रहते हैं यूजली वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी सोलबल होना शुरू हो गए मतलब कुछ तो गड़बड़ है मतलब अपन ये बात बोल सकते हैं कि कुछ यानी कंपाउंड का नेचर 100% परसेंट कोर नहीं रहता या बहुत सारे कंपाउंड का नेचर 100% परसेंट आयनिक भी नहीं रहता बराबर है यानी लोअर लेवल तक कंसेप्ट के लिए ये बात ठीक है कौन सी कि ये बॉन्ड कोलेंट है एंड दिस बॉन्ड विल बी आयनिक एक कोलैंड बॉन्ड दूसरी आयनिक बॉन्ड बट ऐसा 100 परसेंट नहीं होता कोअलैंड बॉन्ड के अंदर पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ सकता सिमिलरली आयनिक बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा कोलैंड कैरेक्टर आ सकता सो आयनिक बॉन्ड में कोअलैंड कैरेक्टर एक्सप्लेन करने वाला रूल इज़ कॉल्ड एज फजन्स रूल होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा फजन्स रूल का तो आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिसलाइक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता डेफिनेटली आपको पसंद आएगा वेल well, तो क्या कंसेप्ट है इसका देखते हैं अपन फजन रूल एक्सप्लेन करता है पोलराइजिंग पावर को हाई को एक्सप्लेन करता है फजन रूल पोलराइजिंग पावर को अब तुम पूछेंगे व्हाट डू मीन बाय पोलराइजिंग पावर तो पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है पोलराइज करना केमिस्ट्री में या इन जनरल पोलराइजेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस यानी प्लस चार्ज अलग माइनस चार्ज अलग बराबर है सो वट डू मीन द पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ कटाइन टू डिस्टॉड एन अन यानी कटायन की वो एबिलिटी जिससे वो क्या करता है अनायन के शेप को डिस्टर्ब करता है क्या करता है अनायन के शेप को डिस्टर्ब करता है डेट इज कॉल्ड लाइज पोलराइजिंग पावर और एक कंसेप्ट है पोलराइजिबिलिटी यानी पोलराइजिबिलिटी का मीनिंग होता है इट इज द टेंडेंसी ऑफ अनयन टू बिकम पोलराइज अनयन की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो पोलराइज हो जाता है इसको कहते हैं पोलराइजिबिलिटी आई होप यू आर गेटिंग दीस थ्री टर्म्स फर्जन रूल विद रिस्पेक्ट टू पोलराइजिंग पावर वट डू मीन बा पोलराइजिंग पावर इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कटायन वट डू मीन बाई पोलराइजेबिलिटी इट इज द टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गेट बिकम पोलराइज मतलब इन शॉर्ट पोलराइज कौन करता है कटायन किस को करता है अनायन को करता है ठीक है ना चलो एक आयनिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं अपन सपोज आई कंसिडर एन एसियल सीचुएशन बहुत अच्छी ऑब्जर्व होंगी पोलराइजेशन बहुत अच्छा ऑब्जर्व होगा आईधर कोअलिन कैरेक्टर बहुत अच्छा ऑब्जर्व होना शुरू होगा कब जब तुम स्मालर साइज का कटायन लेंगे और लार्जर साइज का अनायन लेंगे ठीक है ना सो so, क्या होता है जैसे ही स्मॉलर साइज का कटायन लार्जर अनायन के कॉन्टेक्ट में आता है तो पॉजिटिव आयन क्या करता है अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अब डेफिनेटली पॉजिटिव चीज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगी और क्या होता है न्यूक्लियस को धकेलता है न्यूक्लियस को दूर करता है रिपेल्स द न्यूक्लियस तो क्या होता है मालूम है क्या अब इसका जो शेप होगा ना डिस्टर्ब दिस शेप गेट बिकम डिस्टर्ब ये शेप कैसा हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है वाई द शेप गेट बिकम डिस्टर्ब क्योंकि ओनली नेगेटिव चार्ज ही अट्रैक्ट हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ढकेल दिया जा रहा है अब क्या होता है इसके कारण क्या होता है जो शेप डिस्टर्ब होने के का कारण अनायन का पोलराइजेशन आ जाता है अनायन में अब थोड़ा सा कैसे समझो तुम कि ऑर्बिटल ऑर्बिटल अगर नजदीक नजदीक आ गए और थोड़ा सा भी अगर म्यूचुअल शेयरिंग का इसके अंदर कंसेप्ट आता है पार्शियल शेयरिंग का कंसेप्ट आता है तो केमिस्ट्री में अपन एक बात पढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोअलैंड बॉन्डिंग इनडायरेक्टली तुम क्या कर रहे पता है क्या तुम आयनिक कंपाउंड के अंदर कोअलैंड कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दे रहे पहले तो ये बात माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि आयनिक कंपाउंड ठीक है आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का अब इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर कैसा आ गया क्योंकि जब भी अपन कोवलेंट बॉन्ड का नाम लेते हैं तो इसके इसके लिए अपने दिमाग में कंसेप्ट आता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो होता क्या है कि छोटे साइज का कटायन बड़े साइज के अनयन के शेप को डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा सा अगर पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आ गया एक बार पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट मतलब आ गया मतलब कोवलेंट कैरेक्टर आ गया नाउ यू कैन एक्सप्लेन सम सम कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड कुछ तो गड़बड़ होना चालू हो जाएंगे गड़बड़ कहाँ कहाँ पर हो सकती है गड़बड़ हो सकती है मिल्टिंग पॉइंट में इन जनरल अपने को पता है ठीक है ना फाउंडेशन से ये बात कंसेप्ट को ओपन पढ़ते हैं कि आयनिक कंपाउंड का मिल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता, आ, रहता। है कोयलैंड कैरेक्टर का कोयलैंड कंपाउंड का मिल्टिंग पॉइंट कम रहता बराबर है कि नहीं लेकिन जब ये कम ज़्यादा के अंदर कुछ तो भी गड़बड़ देखने को मिले मतलब जितना चाहिए अपने को एक्सपेक्टेड उससे कम ज़्यादा मतलब इनके कैरेक्टर के अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है कोयलैंड कैरेक्टर जनरली कम मिल्टिंग पॉइंट वाले रहते हैं आयनिक कंपाउंड जनरली ज़्यादा मिल्टिंग पॉइंट वाले रहते हैं ठीक है न वेल चलते आगे पोलराइजेशन को इधर पोलराइजिंग पावर को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है ये जो पोलराइजिंग पावर है इट इज इक्वल टू कटाइनिक चार्ज डिवाइडेड बाय कटाइनिक रेडियस मतलब ऐसे भी बोल सकते होते तुम कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कटाइनिक चार्ज एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कटाइनिक रेडियस डेफिनेटली तुमने कंसेप्ट पढ़े होंगे पेटिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ऐसा था कि जितना जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता जितना 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 पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता है उतना ही कटाइनी रेडियस क्या होता जाता कम कम होते जाता उसका रीज़न भी है द रीज़न इज़ डैट पॉजिटिव चार्ज कटाइन जितना ज़्यादा बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना बड़ा होता और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता साइज उतनी छोटी छोटी होती जाती कुछ बच्चों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन याद नहीं आ रही होंगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन ऐसी है इट इज़ द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसिस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कितना चलो आगे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आई होप जितना बेसिक आइडिया चाहिए अपने को फजन शुरू कर आ गया कि छोटे साइज के कटायन ने बड़े साइज के अनायन को डिस्टर्ब किया अब ये आ जाता है उसका अपलिकेटिव पार्ट मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो पोलराइजेशन पर अफेक्ट करते हैं आइधर तुम ये भी बोल सकते हैं कि जो कोवलेंट कैरेक्टर इम्पार्ट करते हैं ये दोनों टर्म मतलब एक ही है ना पोलराइजेशन आना मतलब कोवलेंट कैरेक्टर आना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 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 है ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आइर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुमको अच्छी तरह से करना है वॉट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन सो पहला फैक्टर है कटैनिक साइज़ क्या फैक्टर है कटाइनिक साइज कंसेप्ट है जितनी छोटी पोलराइजेशन आएगा ज्यादा पोलराइजेशन है सर बोलना इसका तो प्रैक्टिकल प्रूफ इसका ऐसा है सपोज आई कंसिडर दीई सी एल टू एंड बी ए सी एल टू अब तुमको अल्कलाइन अर्थ मेटल याद होंगे सेकंड ए पीरियडिक टेबल के अंदर तो तुमको याद होंगे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टॉन्टियम बेरियम एंड रेडियम ठीक है ना आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप वेल तो इसके अंदर से बेरियम की साइज छोटी है बेरियम की साइज बड़ी है चार्जेस तो सेम है ठीक है न बट बी ई की साइज छोटी है बी ई टू प्लस के साइज छोटी है एज कम्पेयर टू बी ए टू प्लस के दैट्स वाई बी ई टू प्लस मीन्स इन बी ई सी एल टू मोलिक्यूल मोर क्वालैंड कैरेक्टर और जितना ज्यादा कॉलेट कैरेक्टर डेफिनेटली द मिल्टिंग पॉइंट विल बी लेस कंपेयर कर सकते हैं अपन आसानी से मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम हर एक कंपाउंड के मिल्टिंग पॉइंट याद करते बैठो दैट इज नॉट द कंसेप्ट द कंसेप्ट इज यू हैव टू रिमेंबर द कंसेप्ट वॉट इज द कंसेप्ट बिहाइंड कंपेयरिंग द मिल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज तुम चाहे तो सोलिबिलिटी भी कंपेयर कर सकते इसकी देखो तुमको एक बात ये भी पता है कि आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सोलबल होते हैं अब अगर तुमसे सिंपल से बात पूछो कि बी सी -E और बी ए सी में वाटर के अंदर ज़्यादा सोलबल कौन रहेगा तो तुम क्या बोलेंगे आंसर जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा किसके अंदर है बी ए सी के अंदर तो डेफिनेटली इसकी वाटर में सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू बी सी कारण बी सी में कोअर एंड कैरेक्टर ज़्यादा आ गए सो नेक्स्ट इज कैटाइनिक चार्ज अभी अपने सिंपल से कंसेप्ट पढ़े कि जितना ज्यादा कटैनिक चार्ज रहता उतनी कम साइज रहती ठीक है ना जितना ज्यादा कटैनिक चार्ज रहता उतनी कम साइज रहती दे मोर कटैनिक चार्ज मीन्स मोर पोलराइजेशन मोर पोलराइजेशन मीन्स मेल्टिंग पॉइंट विल बी लेस सपोज आई एम कंपेयरिंग एन ए बी आर और एल बी आर थ्री इसके अंदर अपने को कोअल एंड कैरेक्टर का कम्पेरिजन करना है आइदर मेल्टिंग पॉइंट का कम्पेरिजन करना है कुछ भी कर सकते हैं अपन तो एन ए बी आर एन ए बी आर के अंदर एन ए एन ए प्लस ए एल बी आर थ्री के अंदर अलूमिनियम थ्री प्लस मतलब कटैनी चार्ज किस में ज़्यादा है अलूमिनियम थ्री प्लस के अंदर देयर फॉर ए एल बी आर थ्री के अंदर कोअल एंड कैरेक्टर ज़्यादा रहेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम आएगा एज़ कम्पेयर टू एन ए बी आर के गेटिंग ओके okay. उल्टे कंसेप्ट हैं अनायन के विद रिस्पेक्ट टू तो, कटायन ठीक है ना उसके अंदर अपन ने दूसरे कंसेप्ट इसके अंदर रिवर्स है अनायनिक साइज जितनी बड़ी रहेंगी उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा देखो जितना बड़ी साइज रहेंगी यानी न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उतना कम रहेगा बराबर तो जितना कम अट्रैक्शन रहेगा उतना जल्दी आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा क्लियर है कि नहीं अब जितना जल्दी उसका क्लाउड डिस्टर्ब हो गया मतलब वो डिस्टर्ब डिस्टॉर्ट हो गया अनायन अनायन क्या हो गया डिस्टॉर्ट हो गया तो डिस्टॉर्ट होने के कारण उसके अंदर कोअलैंड कैरेक्टर आएगा कोअलैंड कैरेक्टर आएगा मतलब मिल्टिंग पॉइंट आ गया गड़बड़ मिल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा उसका फॉर एग्जाम्पल तो सिंपल रिमेंबर लार्जर द अनायन मोर इज द पोलरिजिबिलिटी ठीक है ना एग्जाम्पल देखो सी ए एफ टू एंड सी ए आई टू कैल्शियम कैल्शियम तो कॉमन है उसके पेस पर तुम कंपेयर करेंगे नहीं एक फ्लोरिन है एक आयोडीन साइज किसकी छोटी है फ्लोरिन की आयोडीन के साइज़ बड़ी है देरफोर आई माइनस के अंदर साइज़ बड़ी है मीन्स इसके अंदर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा दैट्स वाई सी ए आई टू का मिल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए सो इट शुड बी फाइव सेवन फाइव डिग्री सेल्सियस एंड सी ए एफ टू का मिल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज इट इज़ मोर आयनिक ठीक है ना नेक्स्ट अनायन पर चार्ज सिंपल सी बात है जितना बड़ा चार्ज का अनायन लेंगे तुम उतने जल्दी उसका शेप डिस्टर्ब होगा जितना बड़ा साइज़ का अनायन लेंगे तुम जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस लेंगे तुम अपने को पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं ऑलरेडी शेप पहले ही बेचारा डिस्टर्ब रहता है वो सिचुएशन के अंदर अगर तुम कटैन लगाते है और उसके शेप को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो तुमको बहुत ज़्यादा क्वालेंट कैरेक्टर डेवलप होता हुआ दिखाई देता है एग्जाम्पल देखो एम जी थ्री एंड टू एंड एम जी एफ टू ठीक है ना मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो कॉमन है उसका टेंशन लेना नहीं अलग अलग क्या है है नाइट्रोजन फ्लोरीन नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्राइड के फॉर्म में है एन थ्री माइनस फ्लोरिन फ्लोराइड के फॉर्म में एफ माइनस तो एन थ्री माइनस का शेप जल्दी डिस्टर्ब होगा एज कंपेयर टू एफ माइनस के ऐसे भी तुमको पता है कि बहुत छोटा एलिमेंट है फ्लोरिन इतने जल्दी उसका कुछ शेप डिस्टर्ब होने वाला है नहीं शेप किसका डिस्टर्ब होगा एन थ्री माइनस का बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है ज्यादा रिपल्शन रहेगा पॉजिटिव चार्ज कटायन उसके शेप को जल्दी डिस्टॉर्ट करेगा लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने वाला है दैट इज कॉल्ड एज नोबल गैस एज वेल एज सुडो नोबल गैस कटायन नोबल गैस कॉन्फिकेशन सबको पता है जिसके जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर्ट आते हैं सुडो नोबल गैस कॉन्फिकेशन के अंदर तुमको इतना लगा देने का है कि ऑलरेडी आर्ट तो रहती है और इसके अंदर डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ जाता है का आ जाता है डी ऑर्बिटल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ जाती है, उसके दस का आ जाते जाते हैं हैं उसके अंदर का मतलब इन शॉर्ट डू मीन वीन बाइ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अठारह इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है कितने इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट एटीन इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन ठीक है कि नहीं एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं तुमको देखो जिसके अंदर जो आ, एटम के अंदर डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है उसके अंदर उनका जो शेल्डिंग इफेक्ट आता है किसका डी का एफ का वो शेल्डिंग इफेक्ट कैसा रहता है पोअर रहता है सर बोला जल्दी समझ में नहीं आ रहा व्हाट वट डू मीन बाय शेल्डिंग इफेक्ट सपोज मैं हूँ टीचर मैं हूँ न्यूक्लियस और तुम है स्टूडेंट मतलब तुम है इलेक्ट्रॉन बराबर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा और मेरा अट्रैक्शन है फीलिंग है कहा टीचिंग की अब क्या होता है सपोज कोई अपने बीच में एक्स वाई जेड पर्सन आ गया अब डिपेंड करता है वो पर्सन अगर बहुत छोटा है तो वो अपनी टीचिंग को अफेक्ट नहीं करेगा लेकिन अगर वो पर्सन बड़ा है तो वो अपनी टीचिंग को अफेक्ट करेगा ऐसे ही कंसेप्ट रहता है कि जो डी और एफ ऑर्बिटल रहते हैं इनके शेप कैसे आते हैं डिफ्यूज शेप आते हैं इनके कैसे शेप आते हैं डिफ्यूज शेप आते हैं तो डिफ्यूज शेप आने के कारण क्या होता है इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहता है इनका शील्डिंग इफेक्ट कम रहता है शील्डिंग इफेक्ट कम रहता है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है बराबर एक नहीं सपोज़ कोई तो भी ऐसा पर्सन अपने बीच में आ रहा जो बहुत कम समय के लिए वहाँ पर रुक रहा अपने बीच में बहुत कम समय के लिए वहाँ पर रुक रहा तो अपनी यानी मेरी और तुम्हारी टीचिंग अफेक्टेड नहीं होंगी बराबर है तो अगर डी और एफ़ ऑर्बिटल बीच में आ रहे इनका ये ऑर्बिटल बीच में आ रहे तो क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता नहीं लेकिन अगर सपोज़ एस आ जा रहा या पी ऑर्बिटल आ जा रहा तो इनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा रहता है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा रहता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहता है सिंपल सी कंसेप्ट है मोर शील्डिंग इफेक्ट लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर है शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम रहेगा रिवर्स भी बोल सकते तुम कि जितना शील्डिंग इफेक्ट कम रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा रहेगा तो डी और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट आता पुअर मतलब आता इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा अब देखो ज़्यादा आ गया मतलब हो गई गड़बड़ कंपेयर करते हैं अब देखिए एन है और सी है दोनों पर भी एन पर प्लस वन चार्ज है सी यू सी एल के अंदर सी यू पर प्लस वन चार्ज है मतलब चार्ज की बिज पर कंपेयर तो हो रहा नहीं है लेकिन अगर तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन ऑब्जर्व करेंगे तो ये एन प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन आती है दो आठ मतलब नोबल गैस कॉन्फिकेशन और सी यू सी एल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन इसके अंदर क्या आता है अठारह इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आता है ठीक है ना थ्री डी टेन फोर एस वन कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन एक्सेप्शनल केसेस में आता है थ्री डी टेन फोर एस वन सी यू प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चलेगा क्या आ जाती है इसकी कॉन्फिगरेशन थ्री डी टेन यानी डी टेन सिस्टम आ रहा है सो डी टेन सिस्टम के अंदर क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मिलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मिलेगा इसके साइज़ छोटी हो जाएंगी कैसी हो जाएंगी इसके साइज़ छोटी हो जाएंगी एज़ कंपेयर टू सोडियम प्लस प्लस के देयरफॉर साइज़ छोटी अभी अपन पढ़ लिए लिया वजन रोल का साइज छोटी मतलब ज्यादा पोलराइजेशन बाकी आगे का तुमको बोलना नहीं पड़ता ठीक है ना सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिसके अंदर डी ऑर्बिटल आते उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा आता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब तुम साइज थोड़ी सी कम एक्सपेक्ट कर सकते साइज कम मतलब फजन रूल शुरू हो जाता है वहां पर पोलराइजेशन ज्यादा मीन्स मेल्टिंग पॉइंट कम तो एन और सी में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए एन का एज कम्पेयेड टू सी यू सी एल यहाँ पर एन का मेल्टिंग पॉइंट है 800 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड सी यू सी एल का मेल्टिंग पॉइंट है 425 ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तुमको एक बात ये भी पता बताऊंगे क्वाइनेज मेटल पता है कि तुमको क्वाइनेज मेटल क्वाइनिज मेटल मतलब जो क्वाइन बनाने के लिए यूज करते थे, थे पुराने समय में आ, उसके अंदर तीन कॉमन मेटल के नाम आते हैं सी यू ए जी ए यू अब बात याद रखना तुम ऑब्जेक्टिवली सी यू ए जी और ए यू इसके अगर आयनिक कंपाउंड आए तो इसके अंदर फजन रूल अप्लाई होना चालू हो जाता है क्योंकि इनके अंदर आता डी और मेटल और बाकी तुमको आगे की कहानी पता है सो so, ये पांच कलेक्टिवली फैक्टर है ठीक है ना तुमको याद होंगे पांच फैक्टर पहला फैक्टर कटाइनिक साइज दूसरा कटाइनिक चार्ज तीसरा अनाइनिक साइज अनाइनिक चार्ज और लास्ट इंपॉर्टेंट है डेट इज कॉल्ड एज नोबल गैस एज वेल एज सुडो नोबल गैस, गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना एक बहुत ही स्ट्रांग ट्रिक है बहुत सिंपल सी बात है ना कुछ बच्चों को ट्रिक लगती है याद रखने के लिए कुछ तो भी एक सिंपल कंसेप्ट लगता है तो वो भी है मेरे पास एक स्ट्रांग ट्रिक है एस सी एल ए क्या ट्रिक है एस सी एल ए मतलब स्ट्रांग कटायन लार्ज आयन बात खत्म स्ट्रॉन्ग कटायन लार्ज के केस में पोलराइजेशन ज्यादा रूल विल बी अपेबल ठीक कुछ ऑब्जेक्टिव सोल्व करतेरेक्टर ऑफ एन एफ एमजी थ्री विल बी चार ऑप्शन है तुम्हारे पास में ए बी सी डी अभी अपने एक ट्रिक कि छोटा साइज का कटायन फजन रूल ठीक है, है ना यहां पर अपने को आयनिक का करना है कंपेयर अपन उल्टा कर देंगे उसका मोर कोवेलेंट मतलब लेस आयनिक अब इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉलें कौनता होगा पता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट आना चाहिए बोलो एन ए प्लस बोलो कि एम जी टू प्लस बोलो कि एल थ्री प्लस बोलो डेफिनेटली योर आंसर विल बी एल थ्री प्लस क्योंकि इस पर तीन प्लस चार्ज है तीन प्लस चार्ज है मतलब इसके अंदर ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आना शुरू हो जाएगा मतलब आयनिक कैरेक्टर सबसे कम देयरफॉर आवर आंसर शुड बी फर्स्ट दिस इज द एक्सप्लेनेशन मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मोर आयनिक उसके बाद कम देन डिक्रीज नेक्स्ट एक कंसेप्ट चेक करते स्टेटमेंट इज करेक्ट पहला ऑप्शन है मैक्सिमम पोलराइजेशन ब्रॉड बाय कटाइन ऑफ हाई चार्ज मिनिमम पोलराइजेशन ब्रॉड बाय कटाइन ऑफ लो रेडियस लार्ज कटाइन लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन स्मॉल अनायन लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ठीक है ना अभी अपने कंसेप्ट पढ़े? छोटा कटायन बड़ा अनायन आई थिंक पहला ऑप्शन तुमको क्लिक हो रहा होगा मैक्सिमम पोलराइजेशन कटायन ऑफ हाई चार्ज ठीक है ना एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट मैक्सिमम कोअल कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द कंपाउंड ऑप्शन है एन ए आई एम जी आई टू ए एल सी एल थ्री ए एल आई कंपेयर करना है अपने को बहुत ज़्यादा क्वालेंट कैरेक्टर किसके अंदर पाया जाता है देखो छोटा कटाइन ढूंढते इसके अंदर ए बी सी डी के अंदर छोटे कटाइन दिखते हैं अपने को सी और डी एलोमिनियम थ्री प्लस एलुमिनियम थ्री प्लस बहुत केसेस के अंदर है मतलब अपना आंसर ए भी एलिमिनेट कर दो बोला बाकी बचा अपना आंसर जो है ना वो रहेगा सी और डी में अब सी ओर डी में कटान कटैन तो कॉमन है अब का बेस पर कंपेयर करो अनयन की बेस पर कंपेयर करो तो अनयन के अंदर आई माइनस का रेडियस ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू तो सी एल माइनस के दरफो जितना बड़े साइज का अनायन बहुत ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसके अंदर देखने को मिलेगा सो मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द कंपाउंड और आंसर विल बी डी आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो घर पर रहिए सुरक्षित रहिए